प्रवीण तोगड़िया राम मंदिर को लेकर देश भर में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। बीते कल प्रवीण तोगड़िया अयोध्या पहुंचे। प्रवीण तोगड़िया श्री राम जन्मभूमि न्यास के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय महंत रामचंद्र दास परमहंस की समाधि स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। थोड़ी सी नीचे करो मंटू। आज देश भर में से आए हुए एकदम मुंह में जा रहा बेटा तुम्हारा फ्रेम खराब। 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता लखनऊ एकत्रित हो रहे थे। जगह जगह पर ट्रेनें बसें रोककर उनका खाना फिकवा देकर राम भक्तों को खाना न मिले, वह प्रयास के बावजूद लोग डटे रहे और लखनऊ से अयोध्या कूच निकली। यहां सैकड़ों बसों में राम भक्त अयोध्या आने के लिए निकले, उनका खाना बनाने के लिए 2 ट्रकें 4 बजे आई। ट्रकों को कहा कि आपको खाना नहीं बनाने देंगे। आज भी ट्रकें वहां खड़ी है और जितनी बसें आई वह सभी बसें को अयोध्या के बाहर रोक दिया है। प्रशासन ने सभी आश्रमों में जाकर धमकी देकर एक भी राम भक्त को न ठहरने की धमकियां दी है। हमारे पास अयोध्या में खाना नहीं है। मेरे हजारों राम भक्त यहाँ आए, खाना बनाने का सामान लेकर आए। यह राम भक्तों की सरकार ने हमें खाना नहीं दिया। न मेरे लिए खाना है, न मेरे साथियों के लिए खाना है, न रहने की हमारे लिए जगह है। सभी आश्रम धमकी देकर बंद करवा दिए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं महंत जी की समाधि के सामने यहीं पर ही बैठूंगा। मेरे जिस साथियों को रहने की जगह नहीं मिलती है यहाँ मेरे साथ बैठकर रात गुजारेंगे। हमने तो राम भक्तों की सरकार बनाई थी, वह राम भक्तों को खाना न मिले, रहना न मिले, इतना अत्याचार तो मुलायम सिंह की सरकार में हुआ था या फिर से हुआ है, किसके इशारे पर हुआ, क्यों हुआ मुझे पता नहीं, परंतु मैं भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलकर यहाँ आया। हमारे साथ बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। ये महिलाएं कहाँ रुकेगी, कहाँ जाएगी? हमारी सभी गाड़ियाँ उन्होंने अयोध्या के बाहर रखवाई है। मैं अभी से यहीं पर रात्रि निवास करूँगा और जब तक मेरे हिंदू साथियों को खाना नहीं मिलेगा मैं भी अन्न ग्रह। प्रवीण तोगड़िया का आरोप है कि सरकार व जिला प्रशासन राम भक्तों को खाने व रहने पर को रोक लगा रही है। SPN9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।